आपका दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ है। थैंक यू। मैं समझ गया सरप्राइज क्या है। अंदर कोई इल्लीगल काम चल रहा है और हम उसे ठीक करने आए हैं। इडियट, ये मेरा घर है। ओह सॉरी। अंदर आओ। सरप्राइज देने वाली है ये। कब तक आएंगे? लो दोनों आ गए। आज हमारी फैमिली गैदरिंग है। कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? हाँ। कैसा ओकेजन? हाय एवरीवन। हाय। दिस इज कार्तिक। इस शहर का सिंसियर पुलिस ऑफिसर। सारे क्रिमिनल्स इसके नाम से बहुत डरते हैं। क्या बात है। कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत, कमिटमेंट, कंसर्न और तुम्हारी ईमानदारी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। यही था तुम्हारा सरप्राइज। मैं चाहती थी कि मेरी शादी पुलिस ऑफिसर से ही हो और मुझे मेरा सपनों का पुलिस ऑफिसर मिल गया। नाउ योर टर्न। ये लड़की तुम्हें पसंद है? दो मिनट मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे नहीं चलेगा, आपको सबके सामने ही जवाब देना होगा। जस्ट टू मिनट, यू जाएंगे यू आ जाएंगे। नहीं ले जा सकते पिताजी के परमिशन के बिना, वो अभी आते ही होंगे। पिताजी? हाँ कार्तिक, खास तुमसे मिलने के लिए पापा दिल्ली से आए हैं। दैट्स माय डैड। पुलिस वाले? अरे क्या हुआ, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई चोर हो। इसे पता नहीं था ना, तो सरप्राइज हो गया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। बता देती तो ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। और भी सुनो, वो कोई ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर नहीं है, इज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। उनका डेजिग्नेशन तो बहुत पावरफुल है सर। उससे भी पावरफुल एक बात और, उन्हें प्यार बहुत पसंद है और नफरत है धोखे से। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हे, मेरी डैड आ रहे हैं और तुम की जा रहे हो, यही बैठो। एक अर्जेंट ऑपरेशन है, मुझे जाना होगा। उनसे कहकर पोस्टपोन कर लेंगे। ये पुलिस ऑपरेशन नहीं है सर, पाइल्स ऑपरेशन। तुम्हारा ऑपरेशन? मेरा नहीं, मेरे पिताजी का। बहुत दिनों से उन्हें तकलीफ हो रही है। दो मिनट बैठकर इनके पिताजी से मिलकर जाएं। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, प्लीज। पाइल्स उनको है, पेन आपको है। यहाँ रहता कौन है? पहले हमें ये पता करना होगा। मैं एक अच्छे हैकर को जानता हूँ। हेलो स्टीफन सर, मैं घर का पता भेज रहा हूँ, पता लगाओ वो किसका है। ओके सर। हाय डैड, दिस इज कार्तिक। मेरे इतने दिनों के सर्विस में ऐसा सैल्यूट कभी नहीं देखा मैंने। थोड़ा टेंशन है सर। कैसा टेंशन है? मेरे पिताजी का ऑपरेशन है और पेन इसको है। कौन से बैच से हो? विले पार ले एरिया, बचपन से वही हूँ। मैंने पूछा सर्विस बैच कौन सा है। सर्विस तो मैं हर एरिया में देता हूँ सर। ये आपको देखकर नर्वस हो गया। यस, मैं तुम्हें करता हूँ रिलैक्स। चलो तुमसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, तुम भी चलो ना। क्या हुआ तुम्हें? मैं इनके साथ अकेले नहीं जाऊंगा। तुम अगर नहीं चली तो मैं नहीं जाऊंगा। कम ऑन यंग मैन, कम ऑन। मैंने कुछ नहीं किया सर। रिया, तुम्हारे पिताजी इसे जरूर पसंद करेंगे, चिंता मत करो। सर, वो घर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ भारद्वाज का है। थैंक यू स्टीफन, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ भारद्वाज का घर है। चलो निकलो यहाँ से। तुझे कौन सा टेंशन हो रहा है? अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर कहकर मेरी बेटी को धोखा क्यों दे रहे हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक स्टंटमैन हो। तुम्हारा बैच, तुम्हारा घर और तुम्हारे पीने वाले दारू का ब्रांड, मुझे सब पता है। आई एम द आईबी चीफ। अपनी बेटी के बारे में पल पल की, हर मिनट की खबर रखता हूँ मैं। मैं आपको सच बता दूँ सर? बिल्कुल, यही सुनने के लिए तो दिल्ली से यहाँ आया हूँ मैं। मैंने रिया को सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्या सोचेगी ये सोचकर मैं डर जाता था। फिर डर प्यार में बदल गया। अभी भी सच बताने के लिए उसे बुला रहा था लेकिन वो आई नहीं सर। अब परमिशन दे दीजिए, मैं रिया को अकेले में सारी सच्चाई बयां कर दूंगा और मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। तुम रिया को सच नहीं बताओगे सर? मैं अभी तुम्हें एक मिशन की जिम्मेदारी सौंपता हूँ और वो मिशन खत्म होने तक रिया को नहीं बताओगे कि तुम पुलिस वाले नहीं हो। कैसा मिशन सर? तुम्हारी मारपीट से कोमा में जाने वाला वो दीपक कौर है तुम्हें पता है क्या? जयदेव का बेटा है वो, सेकंड वाइफ सन। जयदेव की सेकंड वाइफ भी है? उसका एक सेकंड एंगल भी है, ही इज अ क्रिमिनल। उसने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं। उससे पंगा लेने वाले और उसकी इंक्वायरी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स तक खुद खत्म कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। मेरी दीदी का होने वाला ससुर ऐसे काम कर सकता है, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। जयदेव ने तेरी दीदी को बहू बनाकर अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने का खूबसूरत प्लान बनाया। बिकॉज ही हैज अ पॉलिटिकल एम्बिशन, आने वाले राज्यसभा में नॉमिनेट होकर इलेक्शन में वो सेंट्रल मिनिस्ट्री कैबिनेट को ज्वाइन करने वाला है। इसलिए रूटीन चेकअप के लिए उसकी फाइल सीधे मेरे ही डिपार्टमेंट में आई थी, लेकिन तभी हमें जयदेव के बारे में बहुत सारी बातें पता चली। जयदेव वसुंधरा लेबोरेटरीज के चेयरमैन मिस्टर हरी प्रसाद के पास बहुत शरीफ और नेक इंसान बनकर नौकरी करता था। उसी समय की बात है जब हरी प्रसाद ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से की थी और इन दोनों का बेटा है राहुल। राहुल जब 2 साल का था तब हरी प्रसाद के दामाद की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को विधवा होते हुए देखकर हरी प्रसाद बहुत दुखी हो गए
इस मौके का फायदा उठाकर जयदेव ने हरि प्रसाद के आगे वसुंधरा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। हरि प्रसाद बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी जयदेव से की और अपनी कंपनी भी जयदेव के नाम ही कर दी। लेकिन जयदेव की शादी पहले से ही हो चुकी थी और उसका बेटा भी था। उसने ये बात वसुंधरा से छुपाए रखी। कुछ दिन पहले ग्रैंड रीजेंसी होटल के शूट आउट में पूर्वी जज रामदास को दीपक ने धमकी दी थी और तभी हमें शक हुआ कि ग्रैंड रीजेंसी होटल शूट आउट और जयदेव के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। अगर जयदेव सेंट्रल मिनिस्टर बन गया तो वो और भी पावरफुल बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे गुनहगार साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा देवी वसुंधरा लेबोरेटरीज की चेयरमैन है और वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम जयदेव का असली रूप दुनिया के सामने लाएं, तो फिर हम उसका चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी के जरिए तुम जयदेव के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया है। What do you say? मैं जयदेव का असली रूप वसुंधरा देवी को दिखा दूंगा और उसके बाद उस घर में जयदेव तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं गिरने दूंगा। मैं उस जयदेव का ऐसा हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। रिया के पापा आ गए। रिया, मुझे कार्तिक बहुत पसंद है। गुड जॉब। कौन आईबी ऑफिसर है जिसने मेरे बेटे को कोमा में भेजा और मेरा बिजनेस बर्बाद किया? अगर मुझे राज्यसभा में नॉमिनेट होना है तो जरूरी है कि ये मेरे बारे में अच्छी रिपोर्ट दे। ये हो जाने तक हम शांत रहेंगे, उसके बाद इसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। तो खुद के लिए और अपन के लिए बहुत रिस्क लेता मैं। तुम्हारा दीदी का हैप्पीनेस के लिए अपन लोग तुम्हारे साथ है मैं। थैंक यू मास्टर। लेकिन तेरा प्लान क्या है? मैं जयदेव की कंपनी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा फादर काम पे जाने को बोलता था तो तुम नहीं जाता था, अभी सडनली जाने को तैयार होएगा, वो भड़केगा नहीं क्या? एलीजी प्रसाद, तुम तो सुबह सुबह बॉडी बिल्डिंग से शुरू करते हो, ये चेंज ओवर कैसा हैंगओवर है क्या? मैं सुधर गया हूँ पिताजी। मेरे सपने में पाताल बाबा आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पिताजी की बात मानता तो आज स्टंटमैन नहीं होता, सुपरमैन बनकर आसमान में उड़ता। तो मैंने बाबा से पूछा, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टंटमैन ऊपर से नीचे गिरता है, सुपरमैन नीचे से ऊपर छलांग मारता है, ऐसा उन्होंने समझाया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और आप ही की कंपनी में काम करूंगा। मैंने गलत किया पापा? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तैयार हो जाओ, सर के घर चलते हैं। थैंक यू। मिस्टर रत्नाकर जी। मैडम, मिस्टर ज्ञानी को किसी इवेंट वाले से बात करने को कहो और वेडिंग के सारे अरेंजमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दो जल्द से जल्द। 30% कमीशन मिलेगा, एक घंटा जमीन तो खरीद ही सकता हूँ। मैडम, अगर मैं कुछ कहूँ तो गलत तो नहीं समझेंगे ना? ये हमारे परिवार का सबसे बड़ा फंक्शन है, क्या मैं ये सारे अरेंजमेंट्स करूँ? जैसे हमारे सिर पे बाल होते हैं लेकिन हम हजाम नहीं बन सकते है ना, वैसे काम ही एक्सपर्ट करेंगे तुम नहीं। रत्नाकर, सब ठीक होगा, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। थैंक यू मैडम। सर, ये कलकत्ता की और ये बैंगलोर की प्रॉपर्टी है। बैंगलोर वाली काफी अच्छी है। सर, एक बार आप कलकत्ता की प्रॉपर्टी तो देख लीजिए। ठीक है, दोनों फाइनलाइज करो, टाइम देखकर रजिस्ट्रेशन करो। ओके सर, थैंक यू। मैडम, रामविलास आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर